हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, CTI या फिर CITS, जिसको कि हम लोग क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम कहते हैं। दोस्तों, ये होता क्या है, कौन कौन से लोग इसे कर सकते हैं, कोर्स की अवधि क्या होती है, कैसे अप्लाई करें, इसके बाद फीस का जो फॉर्म है वो कब निकलता है, सेशन कब शुरू होता है, एज लिमिट क्या है, इसके बाद जॉब का स्कोप क्या है, टोटल चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, आप अंत तक बने रहिएगा, एक एक डाउट आपका आज क्लियर होगा। तो दोस्तों, ये होता क्या है एक्चुअली में, जैसे कि आप जानते हैं टीचर बनने के लिए जो योग्यता होना चाहिए, जो कंपलसरी जो एलिजिबिलिटी होता है वो क्या होता है, आपका BEd या BT होना चाहिए। उसी तरह से यदि आप ITI में पढ़ाना चाहते हैं तो अभी जो NCVT का जो नॉर्म्स है उसके तहत आपको CITS करना अनिवार्य है, यदि आप ITI के इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं तो। तो ये बहुत ही कंपलसरी कोर्स में से है, जो कि 1 ईयर का ड्यूरेशन होता है, 1 साल का। आगे हम लोग सब कुछ देखेंगे कि कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, और प्राइवेट CTI है, फिर गवर्नमेंट है, ये सभी हम लोग देखेंगे डिटेल्स, विथ आपको एड्रेस भी और फ़ोन नंबर सब कुछ आपको अवेलेबल कराऊंगा इसमें, इसलिए आप लास्ट तक बन रही है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन कौन से लोग इसे कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे जिन्होंने ITI कर रखा है, ITC कर रखा है, डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक जिन्होंने कर रखा है, डिग्री जिसको कि हम लोग BE या BTEC जिन्होंने कर रखा है, वो ये कोर्स के साथ जा सकते हैं। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसकी अवधि क्या है। तो दोस्तों, ये 1 साल का कोर्स है और इसका सेशन जो है अगस्त से स्टार्ट होता है, 1 साल तक इसका कोर्स होता है, कम्प्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कैसे अप्लाई करें। तो दोस्तों, मई जून के मंथ में जो है इसका फॉर्म निकलता है, आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, जब भी फॉर्म आएंगे मैं आपका आप पर इस पर एक जो है वीडियो बना दूंगा और आप तक ये पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, ये जो है इसका फॉर्म निकलता है और जो एग्ज़ाम लिया जाता है वो ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट AICET के नाम जाना जाता है, वो एग्ज़ाम होता है आपका करीब करीब 1 महीने के बाद, फॉर्म के 1 महीने या 15 दिन के बाद जो है ये जो है आपका एग्ज़ाम लिया जाता है, जो कि ऑनलाइन मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, और उसमें जो आप स्कोर करते हैं उसी के आधार पर जो है जो आपका TOTs है या फिर जो आपका NSTI गवर्नमेंट प्राइवेट ITOTs है, इन सब में आपका एडमिशन होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों कि एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट दोस्तों जो मिनिमम है वो 18 है और मैक्सिमम का कोई एज लिमिट इस तरह से नहीं है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों कि जॉब का क्या स्कोप है। तो जॉब का मैं बताया कि पहला तो आपका जो है आप गवर्नमेंट ITIs में जो है आप पढ़ा सकते हैं, आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, जिसको कि आप ट्रेनिंग ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। और दूसरी बात है कि प्राइवेट में भी आपको पढ़ाना है तो उसके लिए भी CTI यदि है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, सैलरी आपको थोड़े ढंग से मिलेगी। तो ये सब स्कोप है दोस्तों। और यदि आपने CTI कर रखा है तो आपको जो है प्राइवेट कंपनी में भी जॉब मिल सकता है इसके आधार पर, क्योंकि एक आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। तो बेसिक डिटेल्स मैंने आपको बता दिया है और फिर हम लोग देखते हैं एक PDF में, जहाँ की सारे जितने भी आपका NSTIS हैं या फिर IOTs हैं, उन सब के बारे में देखते हैं कि कहाँ कितना सीट है और कौन कौन से कॉलेज हैं, कितने सारे कॉलेजेस हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं PDF। तो दोस्तों, मैंने ये जो है लास्ट ईयर का प्रोस्पेक्टस CTIS का खोल लिया है। देखिए 2020 का जो है प्रोस्पेक्टस है, इसमें देखिए जो आपको कंटेंट्स ये सब मिल जाएंगे, उसके बाद फिर जो है एब्रिविएशंस में देखिए क्या क्या है, AICET जिसको कि हम लोग कहते हैं ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, फिर NSTI हो गया आपका नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि सेंट्रल का जो है इंस्टीट्यूट है, उसके बाद CITS हो गया क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, उसके बाद ITOT हो गया इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, ये एक्चुअली में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उनको कहा जाता है। NCVT आप तो सबको जानते ही हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। उसके बाद CTS जो हो गया क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, EWS हो गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और NTC हो गया नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, जिसको कि ITI सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये सारे डिटेल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे आपका जो है ड्यूरेशन क्या है इस कोर्स का। ड्यूरेशन जो है आपका 1 साल का होता है, जैसे कि अगस्त 2020 से जुलाई 2021 तक चला था, इस बार जो हो जाएगा अगस्त 2021 से लेके जुलाई 2022 तक हो जाएगा। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट था वो था 27 जून, 15 तारीख से स्टार्ट हुआ था, करीब करीब आपको 13-14 दिन का मोहलत दिया जाता है, उसमें आपको भरना होता है फॉर्म और अप्लाई करना पड़ता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए।
ये ऑल ओवर इंडिया जो है आपका एग्ज़ाम होता है, जिसका सेंटर्स भी आपको नीचे मिल जाएगा, और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। देखिए यहाँ पे देखिए आपका डेट भी दिया हुआ है कि 19 एंड 20 जुलाई को जो है एग्ज़ाम होगा। तो मान के चलिए आपका जो गैपिंग होता है करीब करीब कितना हो गया आपका, अप्रॉक्स 20 डेज फॉर्म फिलअप के बाद जो है आपका 20 डेज़ का आपको टाइम रहता है, और जुलाई में जो आपका एग्ज़ाम होता है। उसके बाद अपर एज लिमिट तो कुछ भी नहीं है, मैं पहले ही बता रहा था। अब जो फॉर्म का जो फीस जो है वो 500 है जनरल और ओबीसी के लिए, और 300 जो है एसटीएससी पीएचईडब्ल्यूएस और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। आप इसको नेट बैंकिंग ऑनलाइन जो है पेमेंट कर सकते हैं। अब जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा, 75% जो है आपका जो है ट्रेड से क्वेश्चन रहता है, मतलब कि आईटीआई लेवल का जो आपका जो लेवल है आईटीआई का, लाइक ट्रेड थ्योरी जो आपका पढ़ाया जाता है उन सबसे क्वेश्चन रहेगा, ट्रेड से क्वेश्चन। चाहे आप बीटेक के हों चाहे आप डिप्लोमा के हों, आपको इसी लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। तो 25% जो क्वेश्चन रहता है वो एप्टीट्यूड रीजनिंग और मैथ्स का क्वेश्चन रहता है। अब देखिए जनरल फी स्ट्रक्चर एनएसटीआई है, ठीक है, उसका फ़ी स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, बहुत ही कम है, 600 से भी बिलो है। और जो स्टेट गवर्नमेंट का जो आईटीओटी है या फिर प्राइवेट आईटीओटी है वो इंस्टीट्यूट ही डिसाइड करता है। वैसे जो है यहाँ का ये इन सब इंस्टीट्यूट का बहुत ज़्यादा रहता है, यहाँ गवर्नमेंट वाले से एनएसटीआई से बहुत ही ऊपर रहता है। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट का उतना नहीं रहता है, लेकिन प्राइवेट वाले का अच्छा खासा अराउंड 30,000 प्लस समझिए। अच्छा, उस पर जो है आपको फॉर्म्स कहाँ मिलेंगे, आप जो है फॉर्म आप nimi.gov.in पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बार जो फॉर्म आएंगे दोस्तों, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं यदि, तो मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और जो नहीं जुड़े हैं वो कृपया बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए दोस्तों ये सारे डिटेल्स है। हॉल टिकट जो है 13-7 को आया था, दैट इज आपका वही जुलाई के टाइम में आया, और फिर 19 को एग्ज़ाम था आपका, 19-20 इस तरह करके जो एग्ज़ाम था। तो ये सारे डिटेल्स दिए हुए हैं यहाँ पे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये देखिए कुछ शॉर्ट में दिया है कि 15 को एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, 27 को जो है ख़त्म हो गया, फिर 13 से 18 के बीच जो है मॉक टेस्ट, जो मॉक एग्जामिनेशन होता है, जैसे कि आप एग्ज़ाम दीजिएगा उसके पहले प्री प्रैक्टिस मॉक एग्जामिनेशन कहलाता है, वो आप कर सकते हैं। ये सारा आपको इस पीरियड में आपको अवेलेबल हुआ था। उसको हॉल टिकट जो है वेबसाइट से ही आपको डाउनलोड करना होगा, आपको घर नहीं भेजा जाएगा। 13 से 18 जुलाई के बीच इस बार जो है हुआ था। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड जो है 19 और 20 दो दिन एग्ज़ाम हुआ। रिजल्ट जो है आपको 26 नवंबर को आया, और फिर काउंसलिंग जो है तीन फेज में काउंसलिंग कराया गया था इस बार, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कोविड के कारण थोड़ा लेट हुआ होगा इस वजह से, नहीं तो और भी अर्लियर हो जाता है। दोस्तों देखिए जो आपको सेंटर है, आप अपने अपने नियरेस्ट लोकेशन के हिसाब से आप ये 36 सेंटर दिए हैं टोटल, इसमें से कहीं भी आप फॉर्म फिलअप करते टाइम आप चॉइस डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों जो ट्रेड की बात है, CITS ट्रेड कौन कौन सा होता है, तो ट्रेड बहुत सारे यहाँ पर ट्रेड हैं। आपने जिस भी ट्रेड से ITI डिग्री डिप्लोमा किया है वो ट्रेड से ही आप CITS कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका जैसे कारपेंटर हो गया, कैटरिंग हॉस्पिटैलिटी हो गया, नेटवर्क हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस हो गया, इस तरह से आपका जो है डॉटमैन सिविल हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर, फिर आपका इसी तरह से आपका वेल्डर वगैरह, सब सारे के सारे ट्रेड जितने भी हैं लगभग सब सारे कुछ ही यहाँ पे दिए हुए हैं। प्लम्बर ये सब देख सकते हैं, स्विंग टेक्नोलॉजी सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, ये ट्रेड हो गया। उसके बाद और भी जो है आपका रिलेटेड CTS ट्रेड भी अवेलेबल यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा, इसमें से आप अपना देख लीजिएगा आपका जो हो उसी के थ्रू आपको जाना है। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जिसको कि हम लोग NSTI कहते हैं वो सब, तो टोटल जो है 30 NSTI टोटल ऑल ओवर इंडिया है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जैसे NIT जो होता है उसी तरह से आपका जो है अभी NSTI इन CTI कॉलेज का ये सारा यहाँ पे 30 कॉलेज का लिस्ट है विद कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस, सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल आपको देख लीजिए। नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSTI मुंबई, कानपुर, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, लुधियाना, जोधपुर, हल्द्वानी, इस तरह से टोटल कुल मिला करके आपको 30 NSTI है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का देखिए टोटल 6 है स्टेट गवर्नमेंट, जैसे मध्य प्रदेश में है उत्तर प्रदेश, तालचर, उड़ीसा, फिर कर्नाटक, हरियाणा, कर्नाटक में है फिर, ठीक है। और प्राइवेट में जो टोटल जो है 12 ITOT है, ये आपका
जो है सारा डिटेल्स यहाँ देखिए दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। पहले जो है CTI जो है प्राइवेट कॉलेज में कोई इस तरह का बाउंडेशन नहीं था कि लड़के जो है एंट्रेंस टेस्ट दिए हैं चाहे नहीं दिए हैं, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट रूल लगा दी है कि नहीं, आप जब तक एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिए हुए हैं तब तक आप प्राइवेट में भी एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा, आप देख लीजिए कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है। उसके बाद देखिए ये कहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन देखिए सारा यहाँ दिया हुआ है, CTIs का, NSTI का, और फिर जो है प्राइवेट वाले सब का, फिर स्टेट गवर्नमेंट का भी, NSTI मतलब CITI कॉलेज का सारा कुछ दिया हुआ है। देखिए कारपेंटर जैसे दो ही जगह में, चेन्नई में और हावड़ा में ही कारपेंटर है, उसी तरह से सारा का डिस्ट्रीब्यूशन सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कौन से NSTI में कौन सा ट्रेड का कितना सीट है। जैसे इलेक्ट्रिशियन लगभग सब जगह है, एक दो जगह नहीं है, देख लीजिए। उसी तरह से आप पॉज करके अपना देख लीजिएगा, तो टोटल जो गवर्नमेंट सेंट्रल वाला जो NSTI है उसमें आपका 5875 टोटल सीट्स है। उसी तरह से यहाँ वुमेन के लिए ये वाला है NSTI, महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए ये टोटल जो है 2225 सीट है टोटल, देख लीजिए ये इतना इतना सारा NSTI है। उसके बाद ये जो है आपका प्राइवेट और स्टेट गवर्नमेंट वाला, देखिए ये सारा लिस्ट है यहाँ पे, और कौन से कौन कौन सा ट्रेड है उन सब कॉलेज में, उन सब का भी यहाँ डिटेल्स दिया हुआ है। तो टोटल जो है आपका ITOTs हो गया 4180, तो उधर 5000 अप्रॉक्स, इधर जो है आपका 4000, मतलब कुल मिलाकर के अप्रॉक्स 10000 जो है सीट्स अवेलेबल हैं। तो अच्छे से आप लोग स्टडी कीजिए और एग्ज़ाम जो होगा उसको अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि 100 जैसे एग्ज़ाम है, तो 100 में आप जो 70 प्लस स्कोर करते हैं तो आपको ये सब जो है आपको कॉलेज मिल जाएंगे। जो मेन जो फोकस रहता है बच्चों का कि वो जो है आपका नेशनल वाला जो है NSTI उसको ले, तो उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको एटलीस्ट 70 प्लस स्कोर करने से ज़्यादा सहूलियत होगा। उस पर फैसिलिटीज़ देख लीजिए, इन सब NSTI जो में या फिर जितने भी कॉलेज हैं उनमें क्या क्या फैसिलिटी है, जैसे कि आपका हॉस्टल में वुमेन नॉट अवेलेबल मुंबई में, ठीक है, मेंस का है ये 200। उसी तरह लाइब्रेरी अवेलेबल, ए फॉर अवेलेबल हो गया, NA फॉर नॉट अवेलेबल, तो ये सारा दिया हुआ है, आप पॉज करके देख लीजिएगा। उसी तरह से जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट का और प्राइवेट का भी यहाँ फैसिलिटीज़ देख लीजिए, लाइब्रेरी, कैंटीन, फिर आपका मेस, वाईफाई, सब सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। तो ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको A to Z जो है CITS के बारे में मैंने बताई है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ही यूज़फुल रहेगी आपके लिए, और आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन, ताकि मान लिया जाए जैसे ITI कोई लड़के किए हुए हैं, डिप्लोमा डिग्री किए हुए हैं, तो वो भी इन इन्फॉर्मेशन को जाने और ये कोर्स कर सके। तो इस तरह से हम लोग जो है एक इन्फॉर्मेशन को बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हैं दोस्तों, ताकि वो भी इससे उनको भी बेनिफिट मिल सके इन चीज़ों का। तो चलिए दोस्तों फिर देखते हैं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।